सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल रोहन कुमार। तो आज हमने बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चूज किया है जो कि है रिलेशनशिप वर्सेस पबजी। ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं। पबजी का तो चलो पिछले साल से आए, लेकिन रिलेशनशिप तो पिछले कई सालों से ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को लेकर बात करेंगे और कैसे एक इंसान की रिलेशनशिप पर फर्क पड़ता है ड्यू टू पबजी। ठीक है, आज हम बात करेंगे और देखेंगे इस वीडियो को हम कैसे फनी बना सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। तो हे गाइस, दिस इज ओनली वाचिंग रोहन कुमार चैनल, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पबजी प्लेयर की जिंदगी के बारे में। पबजी प्लेयर की जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं होता, एक हेडशॉट होता है, दूसरा रिवाइव होता है। और अगर हम बात करते हैं एक रिलेशनशिप वाले इंसान के बारे में, उसमें कुछ नहीं होता, सोना मोना बाबू ही होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और हम जब सोना मोना बाबू और रिवाइव को इकट्ठे करते हैं तो वो थोड़ा झोल सा हो जाता है, ढपाघप हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके बात करेंगे कि एक इंसान को पबजी खेलनी चाहिए या रिलेशनशिप में रहना चाहिए, दोनों नहीं करने चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा दोनों ही ना करो, ना ही रिलेशन में रहो और ना ही पबजी खेलो। खेलो लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को लिमिटेड टाइम में बांध कर फिर खेलो, अपने आप को एडिक्ट ना करो पबजी का। रिलेशनशिप का तो बंदा एडिक्ट हो ही जाता है, वो उस पर उसका जोर नहीं होता। तो ट्राई करो, रिलेशनशिप छोड़ दो, मेरे कहने पर तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट करना सारे लोग कि रिलेशनशिप अच्छा है या पबजी अच्छा है। मेरे हिसाब से तो पबजी अच्छा है, क्योंकि इंसान पबजी खेल कर कुछ दिमाग में लाता है, सोचता है। रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता, फालतू के झमेले होते हैं, फिल्म देखनी होती है, बर्गर खाना होता है, पिज्जा खाना होता है, अपनी जेब में से पैसे निकालने होते हैं। उसी पैसे से अगर आपको बहुत ही पैसे वाले हो, बहुत ही आपकी जेब में पैसे नहीं टिक रहे, आपकी जेब में पैसे ना चाहे कि मेरे को बाहर निकाल, तो आप बहुत ही आसानी से पबजी में रॉयल पास खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन है। लेकिन सोना मोना बाबू से अच्छा काम है, ठीक है। और हम अगर अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो है, हमें ना ही रिलेशन करना चाहिए ना ही पबजी खेलनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। चलो वो तो मेरा थोड़ा हाथ टाइट है पढ़ाई में, आपका भी टाइट होगा, 10 में से 1 जाना ही होता है जो मेरी वीडियो देख रहा होगा जिसको थोड़ा पढ़ाई में अच्छा होगा। बाकी बेचारे मेरे जैसे हैं, दिल पबजी खेल ली, मेरे जैसे पबजी में खेलता हूँ। आप मैं आपको प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपनी प्रोफाइल का, आप जाकर देख लेना। अगर तो आपको खेलनी होगी तो मोस्ट वेलकम, मेरे को एक बारी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टा का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सी फनी कम थी लेकिन थोड़ी सीरियस ज़्यादा थी, ट्रेंडिंग टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने सोने मोने बाबू को भी बताना कि ये रोहन कुमार की वीडियो आई है, उसको ज़रूर देख, ताकि थोड़ा एक लाइक मेरे को और मिल जाए सोना मोना बाबू की तरफ से भी। सो गाइस, थैंक यू, टिल देन वीडियो नेक्स्ट, बाय बाय। फालतू जलाल तू बोल नार, फालतू फालतू जलाल तू बोल नार, बोल नार, आलतू जलाल तू बोल नार, फालतू यो घड़ा सब फतेरा पालतू।